बांग्लादेश में अब भी देश में हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, जगह जगह से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर भारत सरकार ने चिंता जाहिर की है। बता दें कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस को बधाई देने के साथ ही चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा है। अंतर्वर्तीकालीन सरकार प्रधान उपदेष्टा पदे प्रधान उपदेष्टा पदे कर्तव्य विश्वस्ततार सहित पालन करिब। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू सुरक्षित होंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या हिंदुओं पर हमले रोकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभालने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा, जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।